हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या करना है, इसमें तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। अब देखो डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है कि 2, 3, 0, 4 तुमने लिखा, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं दो दो की नंबर्स के ऊपर बार लगा देती हूँ, तो 0, 4 के ऊपर बार आ गया, ठीक है। फिर अगला क्या करना है, क्या बचा है यहाँ पे, फिर दो नंबर है, हाँ भाई दो नंबर है, इन दोनों पे बार लगा दो, ठीक। अगर सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास एक 5 और होता, ठीक है, कोई भी एक सिंगल डिजिट होता, लेकिन इसके साथ कोई और नहीं है, तो ये अकेला इस पे पैर वो बार लगता, ठीक है, सही। तुम्हें पेयरिंग जो शुरू करनी है हमेशा याद रखो यूनिट प्लेस से शुरू करनी है। अब देखो एक ऐसा नंबर लो बेटा जिसका स्क्वायर या तो 23 हो या उससे छोटा, तो हम ये देखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है जो 23 से बड़ा है, तो मैं 4 का स्क्वायर कर लेती हूँ, ठीक है। 4, 4 = 16, ठीक। कितना बचा यहाँ पे, 7। ये फिर पूरा 0 और 4 नीचे एक साथ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे तुम, 4 + 4 इसमें ये वाला नंबर ऐड करना है, 4 + 4 कितना हो गया, 8, ठीक। अगला स्टेप क्या करना है तुम्हें, एक नंबर यहाँ ऐसा लगाओ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 है बेटा, है ना, तो मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 4 आता है, और देखो कहीं और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 4 आएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर 8 लेके देखें, 8 यहाँ पर रखो और 8 से ही मल्टीप्लाई करो, ये जो तुम्हारे डिजिट है ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। 8, 8 = 64, 8, 8 = 64 और 70, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो डिजिट है वही यहाँ पे भी आएगा, तो ये डिजिट देखो 3 जगह आएगा, है कि नहीं, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये हो जाएगा 704। तो यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट में क्या लिखोगे, 2304 = 48, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बहुत आराम से इसके स्टेप समझो, क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे इसको एकदम हवा समझते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान होता है स्क्वायर डिविजन मेथड, ठीक है। अब आ जाओ उसके सेकेंड पार्ट पे, देखो नेक्स्ट है तुम्हारे पास 4, 4, 8, 9। क्या करोगे, 9 पे यूनिट प्लेस से स्टार्ट करो, लेफ्ट पे जाओ, दो नंबर पे बार, फिर ये दो बचे, इन दोनों पे बार, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 44 है उससे छोटा, तो यहाँ देखो 7, 7 = 49 बड़ा हो रहा है 44 से, 6 ले लो, तो 6, 6 = 36, ठीक है। कितना बचा आपके पास, 8। अब ये पूरा 89 एक साथ आएगा, जिसके ऊपर बार है वो पूरा 89 एक साथ आएगा। अगला स्टेप 6 + 6 हो जाएगा 12, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, एक नंबर यहाँ लो उसी से मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो लास्ट में तुम्हारे पास 9 आ रहा है, तो ये देखो 3 रखोगे तो भी 9 आ सकता है, और 7 रखोगे तो भी 9 आएगा, है ना। 7 रख के देखे ज़रा सा, 7 रखो और 7 से मल्टीप्लाई करो, 7, 7 = 49, 7, 2 = 14, 18, 7, 7 = 8, बिल्कुल सही गया, है ना। तो ये अगर तुम ये वाली टेबल बना लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे, तो अब देखो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4, 8, 9 = 67, आंसर तुम्हारा ये होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके तुम थर्ड पार्ट पे। अब देखो नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है 3, 4, 8, 1। क्या करना है, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ मूव करो, दो नंबर पे बार, फिर 4, 3 है, इन दोनों पे बार, ठीक है। क्या करना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 34 है उससे कम, तो देखो 6, 6 = 36 ज़्यादा हो रहा है, 5 ले लो, है ना, 5, 5 = 25। कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास, 9। अब ये पूरा 81 नीचे आ जाएगा, 5 + 5 हो जाएगा 10, ठीक है। एक नंबर तुम यहाँ रखो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो देखो लास्ट में 1 कहाँ आ रहा है, तो देखो 9 में 1 आ रहा है या 1 में 1 आ रहा है, 1 तो छोटा हो जाएगा, 9 रख के देखो, है ना, 9 का स्क्वायर करो 81 आ रहा है, यूनिट प्लेस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो मैं इधर 9 रखूँ और 9 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। 9, 9 = 81, 9, 0 = 0 और 8, 9, 1 = 9, बिल्कुल सही गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे वही डिजिट रखना है, क्या है, 9 रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 8, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 59, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर है 529। क्या करना है, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ मूव करो, दो नंबर पे बार, फिर ये अकेला बचा तो 5 को अकेला छोड़ दो,
ठीक है। अब देखो ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालो जो तो 5 हो या 5 से छोटा हो। तो देखो 3 3 9 बड़ा हो गया, 2 2 4 ठीक है छोटा हो गया, 2 2 4 माइनस करो 5 में से 4 बचा 1, अब ये पूरा 29 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 ठीक। अगला स्टेप क्या करना है, एक नंबर यहाँ लो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 9 कहाँ का आ रहा है, 3 पे आ रहा है 9 और एक 7 का स्क्वायर भी यूनिट प्लेस 9 है ना, तो 3 रख के देखो ज़रा सा, 3 रखो और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 3 3 9 3 4 12 ठीक है। तो ये देखो पूरा चला गया, अब मैं यही वाला 3 ऊपर रख दूंगी, तो देखो 5 29 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना हो जाता है 23 ठीक है। सिंपल है, आसान है। अब देखो फिफ्थ पार्ट है तुम्हारे पास 3249। क्या करोगे, 9 से लेफ्ट की तरफ चलो, 2 नंबर पे बार, फिर 2 नंबर पे बार ठीक है। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 32 हो या 32 से छोटा, तो देखो 6 6 36 बड़ा हो गया, 5 5 25 ये ले लेते हैं हम, 5 5 25 कितना बचेगा यहाँ पे 7। अब क्या करोगे, पूरा 49 नीचे आएगा एक साथ ठीक है, 5 + 5 हो जाएगा 10। इन सारे स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है ठीक है। एक नंबर यहाँ लो उसी से मल्टीप्लाई करो ठीक। तो मतलब अगर देखो लास्ट में 9 आ रहा है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर भी 9 आता है, मैं 7 ले लेती हूँ, मतलब 107 इंटू 7 करो ठीक है। 7 7 49, 7 0 0 4, 7 1 7। तो देखो बिल्कुल सही जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी 7 रखूँगी, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 ठीक है। तो अब देखो इसका स्क्वायर रूट लास्ट में ये स्टेप मत भूलना, 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 57। दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है। अब देखो बेटा सिक्स पार्ट है 1 3 6 9। क्या करोगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर या तो 13 हो या 13 से छोटा। देखो 4 4 16 बड़ा हो रहा है, मैं 3 3 9 ले लूँगी ठीक है। तो देखो 3 3 9 कितना बचा, ये बचा 4। ओ सॉरी बार तो हमने लगाया ही नहीं, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ आओ, 2 नंबर पे बार, फिर इन दोनों नंबर्स पे बार ठीक है। अब क्या करोगे, अगला स्टेप पूरा 69 एक साथ नीचे आएगा ठीक, तो लिख दो 69 ठीक है। 3 + 3 हो जाएगा 6 ठीक। अगला स्टेप यहाँ पे भी एक नंबर रखो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो देखो लास्ट में 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो हम 7 रख लेते हैं ठीक है। 7 रखो और 7 से मल्टीप्लाई करो, ट्राई करो इससे हो रहा है, यानी 7 7 49, 7 6 42 और 4 46 ठीक है, बिल्कुल गया। तो तुम क्या करोगे, यही 7 ऊपर रख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 6 9 इज इक्वल टू 67 ठीक। अब देखो बेटा 7th पार्ट पे ये है 5 7 7 6। क्या करोगे, यूनिट प्लेस की लेफ्ट की तरफ मूव करो, 2 नंबर पे बार, फिर 2 नंबर पे बार ठीक। ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर या तो 57 हो या उससे छोटा हो। तो देखो 7 7 49, 8 8 64, तो मुझे 7 लेना पड़ेगा क्योंकि 8 का स्क्वायर तो बड़ा हो रहा है ना। तो देखो 7 7 49 कितना बचा यहाँ पे 8 यहाँ, हाँ ठीक। अब पूरा 76 एक साथ ही नीचे आ जाएगा ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करोगे तुम, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दो ठीक है, दिस इज ठीक है, 7 + 7 क्या हो जाएगा 8 करो 7 में 7 हो जाएगा 14 ठीक। अब तुमको एक नंबर यहाँ रखकर उसी से मल्टीप्लाई करना है ठीक है। तो बेटा देखो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये तो 4 रख के करो है ना, या फिर 6 6 पे आ रहा है ना, 6 6 36 यूनिट पे 6 बन रही है, तो मैं 6 रख के देखती हूँ, 6 रखो और 6 से ही मल्टीप्लाई करो। तो देखो 6 6 36, 6 4 24 और 3 7, 6 1 6 7 8 बिल्कुल सही जा रहा है, यही 6 तुम ऊपर रख दो ठीक है सही। तो यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 7 6 कितना हो जाएगा 76। बहुत ही आसान मेथड है ठीक है बेटा। अब देखो 8th पार्ट पे यू हैव 7 9 2 1। क्या करोगे, यूनिट प्लेस के से लेफ्ट की तरफ मूव करो, 2 नंबर पे बार, फिर 2 नंबर पे बार ठीक है। ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर या तो 79 हो या 79 से छोटा। तो देखो 9 9 81 बढ़ गया, 8 ले सकते हैं, 8 8 64 कितना बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 1, अभी पूरा 21 एक साथ नीचे आएगा,
एट प्लस एट हो जाएगा 16, ठीक। क्या करना है, एक नंबर यहाँ लो, उसी से मल्टीप्लाई करो उस पूरे नंबर को। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे देखो लास्ट में वन है, वन का स्क्वायर वन आता है, या फिर वन है तुम्हारा नाइन पे, ठीक। मतलब मैं 169 इंटू नाइन कर दूँ, 9 9s are 81, यहीं ट्राई कर लो, 9 रख के 9 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो, 9 9s are 81, 8 इधर आएगा 1 इधर, 6 9s are 72 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 82, ठीक है। चलो फिर ये हो जाएगा 9 9s are 15, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही 9 तुम ऊपर रख दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 9 2 1 is equal to 89, दिस इज योर आंसर, ठीक। अब देखो नाइन्थ में है तुम्हारे पास 576, ठीक। आराम आराम से देखो क्या करना है, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ चलना है, दो दो नंबर पे बार लगाने, इन दो पे बार, ठीक है। फाइव देखो अकेला रह गया, उस पे अकेले पे बार छोड़ दो, ठीक। ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर ये तो फाइव हो या फाइव से छोटा हो, तो भाई 5 5s are 25, अरे बहुत आगे बढ़ गए, 2 2s are 4, 3 3s are 9, तुम 2 ले लो, 3 3s are 9 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 2 2s are 4, कितना बचा 1, पूरा 76 नीचे आएगा। अगला स्टेप 2 plus 2 हो जाएगा 4, ठीक। फिर क्या करना है, एक नंबर ऐसा लो यहाँ पे रखो यूनिट प्लेस पे, उसी से मल्टीप्लाई कर दो और वही नंबर तुम्हारा ऊपर भी आएगा। तो देखो लास्ट में यहाँ पे 6 है, तो देखो 4 का स्क्वायर में लास्ट में देखो 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, या फिर 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो ये तो शायद बढ़ जाएगा 6, अगर हम 4 रख के देखते हैं ना, 4 रखो यहाँ पर और 4 से ही मल्टीप्लाई करो, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 17, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैं यहाँ पे 4 ही रख दूँगी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 576 is equal to 24, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। अब देखो बच्चों टेंथ पार्ट पे है 1024, क्या करना है तुम्हें, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ चलो, दो दो नंबर पे बार लगाओ, दो नंबर पे बार, फिर 10 पे बार लगा दो, ठीक। अब तुमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर ये तो 10 हो या 10 से छोटा हो, तो देखो अगर 3 3s are 9 छोटा है ना, तो मैं 3 रखकर 3 का स्क्वायर, 3 3s are 9, ठीक, कितना बचा 1, अब ये पूरा 24 नीचे आएगा, ठीक। अगला स्टेप 3 में 3 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 plus 3 6, ठीक। क्या करना है, एक ऐसा नंबर यहाँ रखो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो लास्ट में 4 आ रहा है, तो देखो 2 अगर रख के करते हैं यहाँ पर, 2 रखे 62 इंटू 2 करें और वही नंबर यहाँ रखो, तो 2 2s are 4, 2 6s are 12, ये तो फौरन ही चला गया, यही 2 ऊपर रख दो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1024 कितना हो जाएगा, 32, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास है 3136, ठीक है। क्या करना है, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ चलो, दो नंबर पे बार, फिर 31 है, इन दोनों पे बार लगा दो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ये तो 31 हो या 31 से छोटा, तो देखो 6 का स्क्वायर बड़ा हो रहा है, मैं 5 ले लेती हूँ, 5 5s are 25, कितना बचा 6, पूरा 36 ही नीचे आ जाएगा, 5 plus 5 10, ठीक। क्या करना है, एक नंबर यहाँ रखो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, ऐसा यहाँ ढूंढो किसके स्क्वायर में 6 आ रहा है, तो देखो 4 के स्क्वायर में 6 है लास्ट में और 6 के स्क्वायर में भी 6 है, हम 6 ट्राई करते हैं, 6 रखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 are 36 0 3 6 1 6 सॉरी, कितना बचा 0, तो यहाँ पे ये 6 ही रखा जाएगा। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 कितना हो गया बेटा, 56, ठीक। अब आ जाओ तो 12th पार्ट पे, अब देखो बेटा यहाँ पे 12th में तुम्हारे पास 900, क्या करोगे, यूनिट प्लेस से लेफ्ट की तरफ मूव करो, दो दो नंबर पे बार, दोनों 0 आए दोनों पे बार, एक 9 अकेला था तो इस पे अकेले पे बार लगा दो, ठीक। अब देखो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जो या तो 9 हो या 9 से छोटा, तो देखो 3 आता है ना, 3 3s are 9, तो तुम पूरा पूरा ले जा सकते हो, कितना बचा 0, हाँ। अगला स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 00, इन दोनों को एक साथ नीचे उतार लो, 3 plus 3 हो जाएगा 6, एक ऐसा नंबर लो बेटा जिसको यहाँ पे रखो उसी से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 0 लाने के लिए मैं 0 रखकर 0 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, 16 to 0 है 0 ऑब्वियसली, कितना आ गया तुम्हारे पास 0, यही 0 तुम ऊपर रख दो, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।